में खुद आओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं बायो का टॉपिक एनिमल सेल। एनिमल सेल का हम डायग्राम देखेंगे, कैसे बनाते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। ये जो होता है हमारा, ये होता है पिनोसाइटिक। ठीक है, जो ये वाली लास्ट मेम्ब्रेन होती है, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होता है हमारा न्यूक्लियस। इसके ऊपर होती है हमारी गोल्जी एपरेटस। ये कैसी होती है? फ्लैटेंड। कैसी होती है? फ्लैटेंड। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसमें ही हमारी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैसे बनते हैं? ये तो होगी हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ और स्मूथ कैसे होती है? जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं लास्ट लेयर में, ये ऐसे इसकी इस लेयर पे। तो ये क्या होगी हमारी रफ और ये क्या होगी हमारी स्मूथ। ओके, अब इसमें कुछ छोटे छोटे माइक्रो ट्यूबल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, कोई रेक्टेंगुलर में है, कोई कैसे ही है। ये क्या है हमारी माइक्रो ट्यूबल्स। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा लाइसोसोम। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ऊपर भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, इसमें एक सेंट्रोल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे, जिसकी शेप बिल्कुल सेंटर में होती है ऐसे। ये क्या है हमारे सेंट्रोल्स, CENTRIOLES। अब इसमें कहीं कहीं राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं।
ये हो गया हमारा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो बिल्कुल आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा लेयर। ये किसकी बनी होती है, फ्लूड से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूडी, ठीक है। फिर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस। ये क्या होती है हमारी, गोल्गी अपैरेटस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रल्स, माइक्रोट्यूबल्स। तो ये सारी चीजें हमारे एनिमल में प्रेजेंट होती है। एनिमल में क्या प्रेजेंट नहीं होता, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे डिफरेंशिएशन में आ जाता है। क्या प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक, वो हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डायग्राम समझ आया होगा, बनाना सीख लिया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।